अज जी मीटिंग रखी गई आ फरवरी के एंड तक सरकार नूं समां दित्ता, बादल नूं समां दित्ता कि वो बंदे दा पुत बन के इलैक्शन करावे। 12 साल तो लगातार इलैक्शन नहीं हो रही, ये गुरुद्वारे जिहड़े गुरुद्वारे की इनकम आ, गुरुद्वारे की जमीन ये रफा दफा हो रही, गुरुद्वारे का पैसा जिहड़ा निजी राजनीति के परिवार को पालन लई लग रहा, ये गुंडागर्दी जिहड़ी आ ये बर्दाश्त नहीं होगी। असी एंड तक फरवरी के एंड तक इन्हों समझता, फरवरी के एंड तो दो दिन मैं लगातार घंटा घर दे अगे प्रेस नूं बुला के इन्हों तो जवाब मंगूंगा। जे इन्हां ने जवाब नहीं दिते, इन्हां ने भावें अपने वकील लियाउण भावें लीडर लियाउण जिहड़े बहस कर सकते हुण साडे नाल, प्रेस दे विच असीं बहस करांगे। साडे जवाब सानूं जवाब चाहीदे कि इह ग्रंथ कित्थे गए, पुरातन ग्रंथ कित्थे गए, किहड़ी एजेंसी नूं दित्ते, क्यों दित्ते, कदों वापस आउणगे, सानूं जवाब चाहीदा। ये जिहड़े 328 सरूप किस आई डी ते गए, किसनों दिते, बिना आई डी तो बिना एड्रैस तो क्यों ये दिते गए, तो ये जवाब सानू चाहिए। जे सानू ये जवाब नहीं देंगे तो असी कॉल करांगे, सिखां तैयार करांगे 2 महीने लगातार, उन्होंने कॉल करके अकाल तख्त साहब ते कमेटी बनावांगे, जिवें करतार सिंह झब्बर ने बनाई सी कमेटी बना के असी चार्ज लावांगे। अंब साहब, अंब साहब गुरुद्वारा इतिहासक गुरुद्वारा, वो जमीन इन्होंने नीलामी तलाई से 26 तरीक नूं नीलामी का नोटिस दिता से, वो जमीन जिहड़ी आ वो इन्नी कीमती जमीन है जिथे 12-12 करोड़ रुपया किले की कीमत है, वो इन्होंने कौडियां दे भा नीलाम करके बाकी पैसे खाने से। ये गुरु घर की जमीन नूं नीलाम नहीं कर सकते, गुरु घर की जमीन जिहड़ी आ किसी चंगे कार्ज लई लीज ते दित्ती जा सकदी, वो सिख कम्यूनिटी के भले लई। की लगता गुरुद्वारा उत्थे बनना चाहीदा? उत्थे गुरुद्वारा ना बने, उत्थे बच्चों के रहन लई जिहड़े पंजाब सारे तो हरियाणे तो गरीब बच्चे जिहड़े ने एजुकेशन लैना चाहुंदे आ, आई टी सैल दे विच कुछ सिख्या प्राप्त करना चाहुंदे आ, रोजी रोटी कमाउण लई कोई काम सीखना चाहुंदे, वो बच्चे रह सकदे उत्थे, असीं उन्हां नूं लंगर दे सकदे आ, वो गरीब बच्चों की हैल्प हुंदी, वो जदों नौकरियां करनगे सदारियां मारनगे गुरु घर की सेवा करनगे, सिख अपनी सिखी चाहुणगे। ये खलकत लई आ, गुरु घर की संगत लई आ, ये प्रकाश सिंह बादल के परिवार को पालन लई नहीं। हाँ जी, अज जिहड़ी मीटिंग रखी गई आ फरवरी के एंड तक सरकार नूं समां दित्ता, बादल नूं समां दित्ता कि वो बंदे दा पुत बन के इलैक्शन करावे। 12 साल तो लगातार इलैक्शन नहीं हो रही, ये गुरुद्वारे जिहड़े गुरुद्वारे की इनकम आ, गुरुद्वारे की जमीन ये रफा दफा हो रही, गुरुद्वारे का पैसा जिहड़ा निजी राजनीति के परिवार को पालन लई लग रहा, ये गुंडागर्दी जिहड़ी आ ये बर्दाश्त नहीं होगी। असी एंड तक फरवरी के एंड तक इन्हों समझता, फरवरी के एंड तो दो दिन मैं लगातार घंटा घर दे अगे प्रेस नूं बुला के इन्हों तो जवाब मंगूंगा। जे इन्हां ने जवाब नहीं दिते, इन्हां ने भावें अपने वकील लियाउण भावें लीडर लियाउण जिहड़े बहस कर सकते हुण साडे नाल, प्रेस दे विच असी बहस करांगे। साडे जवाब सानूं जवाब चाहीदे कि इह ग्रंथ कित्थे गए, पुरातन ग्रंथ कित्थे गए, किहड़ी एजेंसी नूं दित्ते, क्यों दित्ते, कदों वापस आउणगे, सानू जवाब चाहीदा। ये जिहड़े 328 सरूप किस आई डी ते गए, किसनू दिते, बिना आई डी तो बिना एड्रैस तो क्यों ये दिते गए, तो ये जवाब सानू चाहीदा। जे सानू ये जवाब नहीं देंगे तो असी कॉल करांगे, सिखां नू तैयार करांगे 2 महीने लगातार, उन्हां नू कॉल करके अकाल तख्त साहब ते कमेटी बनावांगे, जिवें करतार सिंह झब्बर ने बनाई सी कमेटी बना के असी चार्ज लावांगे। अंब साहब गुरुद्वारा इतिहासक गुरुद्वारा, वो जमीन इन्होंने नीलामी तलाई से 26 तरीक नूं नीलामी का नोटिस दिता से, वो जमीन जिहड़ी आ वो इन्नी कीमती जमीन है जिथे 12-12 करोड़ रुपया किले की कीमत है, वो इन्होंने कौडियां दे भा नीलाम करके बाकी पैसे खाने से। ये गुरु घर की जमीन नूं नीलाम नहीं कर सकते, गुरु घर की जमीन जिहड़ी आ किसी चंगे कार्ज लई लीज ते दित्ती जा सकदी, वो सिख कम्यूनिटी के भले लई। उत्थे गुरुद्वारा ना बने, उत्थे बच्चों के रहन लई जिहड़े पंजाब सारे तो हरियाणे तो गरीब बच्चे जिहड़े ने एजुकेशन लैना चाहुंदे आ, आई टी सैल दे विच कुछ सिख्या प्राप्त करना चाहुंदे आ, रोजी रोटी कमाउण लई कोई काम सीखना चाहुंदे, वो बच्चे रह सकदे उत्थे, असीं उन्हां नूं लंगर दे सकदे आ, वो गरीब बच्चों की हैल्प हुंदी, वो जदों नौकरियां करनगे सदारियां मारनगे गुरु घर की सेवा करनगे, सिख अपनी सिखी चाहुणगे। ये खलकत लई आ, गुरु घर की संगत लई आ, ये प्रकाश सिंह बादल के परिवार को पालन लई नहीं। हाँ जी।